नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम स्टोरी नए एपिसोड। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पढ़ी लिखी और अच्छे परिवार की अर्चना अजय कुमार की फेसबुक प्रोफाइल से इतना प्रभावित हुई कि उससे दोस्ती कर उसके साथ घर बसाने के सपने देखने लगी। अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए उसने पति ओम प्रकाश को ही नहीं, 4 साल के बेटे शिवा को भी मौत के घाट उतार दिया। सूरज के निकलते ही आसमान में छाई कोहरे की धुंध साफ होने लगी थी। चिड़िपों की मधुर कलरव ने सुबह होने का आभास कराया तो बागेश्वरी देवी भी उठ गईं। उनकी बड़ी बहू पहले ही उठकर फ्रेश हो गई थी, लेकिन पहली मंजिल पर रहने वाला उनका छोटा बेटा, बहू और पोता अभी तक नहीं उठा था। चाय नाश्ते का समय हो गया था, इसके बावजूद वे लोग पहली मंजिल से नीचे नहीं आए थे। एक बार तो बागेश्वरी देवी को लगा कि शायद ठंड होने की वजह से वे उठ न पाए होंगे, लेकिन इतनी देर तक न कभी बेटा ओम प्रकाश सोता था और न पोता शिवा, इसलिए वह परेशान होने लगी। वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की कोतवाली शाहपुर के मोहल्ला अशोकनगर में रहती थीं। मकान की ऊपरी मंजिल पर काम चल रहा था। 8:30 बजते मजदूर काम पर आ गए थे, लेकिन तब तक ऊपर सो रहे लोगों में से कोई नहीं उठा था। मजदूर जैसे ही सीढ़ी पार चढ़ते हुए प्रथम तल पर पहुंचे, उन्हें कमरे के अंदर से दरवाजे के जोर जोर से थपथपाने और औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। एक मजदूर ने जल्दी से दरवाजे की बाहर से लगी सिटकनी खोल दी। अंदर से घर की छोटी बहू अर्चना तेजी से बाहर निकली और सीधे सामने वाले कमरे की तरफ भागी। उसे इस तरह भागकर कमरे में जाते देख मजदूर हैरान रह गए। अर्चना ने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा खुल गया। अंदर का दिल दहला देने वाला नजारा देखकर उसके पांव चौखट पर ही जम गए और वह जोर से चीखी। उस कमरे में बेड पर ओम प्रकाश की लाश चित पड़ी थी। फर्श पर खून ही खून फैला था। उन्हीं के बगल 4 साल के मासूम बेटे शिवा की भी लाश पड़ी थी। दोनों लाशें देखकर ही अर्चना जोर से चीखी थी। बाप बेटे की लाशें देखकर मजदूरों के भी हाथ पांव फूल गए। अर्चना रोती चीखती नीचे सास बागेश्वरी देवी के पास पहुंची। बहू के मुंह से बेटे और पोते की हत्या की बात सुन उनका पूरा बदन कांपने लगा। घर में रोना पीटना मच गया। दोनों की आवाजें सुनकर पड़ोसी भी आ गए। जैसे जैसे यह खबर मोहल्ले में फैलती गई, लोग बागेश्वरी देवी के घर इकट्ठा होने लगे। बागेश्वरी देवी की बड़ी बहू ने फोन द्वारा इस घटना की सूचना अपने पति राजकुमार को दे दी। वह उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर थे। छोटे भाई और भतीजे की हत्या की बात सुनकर वह भी सन्न रह गए। उन्होंने कोतवाली शाहपुर के प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला को फोन द्वारा घटना की जानकारी दे दी। इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश शुक्ला तुरंत एसआई रामकृपाल यादव, एसआई विमलेंद्र कुमार, कांस्टेबल संतोष कुमार, रामविनय सिंह, शिवानंद उपाध्याय और जनार्दन पांडेय को साथ लेकर अशोकनगर स्थित राजकुमार यादव के घर पहुँच गए। मृतक ओम प्रकाश यादव के ससुर दीपचंद यादव राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पीएसओ थे। उन्हें जब घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने गोरखपुर रेंज के आईजीपीसी मीणा को फोन किया। इसके बाद तो आईजीपीसी मीणा, डीआईजी आरके चतुर्वेदी, एसएसपी लव कुमार, एसपी हेमंत कुटियार, सीओ कमल किशोर, क्राइम ब्रांच, एसटीएफ की टीम, डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम वहां पहुंच गई। थोड़ी ही देर में अशोकनगर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने बड़ी बारीकी से घटनास्थल की जांच की। जिस कमरे में दोनों लाशें पड़ी थीं, वहीं बेड के पास खून से सना एक हथौड़ा और एक कूदने वाली रस्सी पड़ी थी।
लाशें देखकर ही लग रहा था कि हत्यारे ने हथौड़े से ओम प्रकाश की हत्या की थी, जबकि उनके बेटे का रस्सी से गला घोंटा था। पुलिस ने दोनों सामानों को कब्जे में ले लिया। सभी को यह बात परेशान कर रही थी कि आखिर बच्चे की हत्या क्यों की गई। पुलिस की नजर जब कमरे के दरवाजे की सिटकनी पर पड़ी तो दरवाजे पर सिटकनी तोड़े जैसा कोई निशान नहीं था। देखकर लग रहा था कि किसी ने सिटकनी के पेंच खोलकर उसे फर्श पर रख दिया था। जबकि पूछताछ में अर्चना ने बताया था कि उसके पति अंदर से सिटकनी बंद करके सोए थे। उसने यह भी कहा था कि लूटपाट का विरोध करने पर लुटेरों ने हथौड़े से उसके पति की हत्या की होगी। उसी समय बच्चा जा गया होगा, तब पहचाने जाने के डर से उन्होंने बच्चे को भी मार दिया होगा। लूटपाट के दौरान खटपट की आवाज सुनकर वह आ न जाए, इसलिए बदमाशों ने उसके कमरे की सिटकनी बाहर से बंद कर दी थी। अर्चना का बयान पुलिस को कुछ अजीब लग रहा था। बागेश्वरी देवी के बड़े बेटे इंस्पेक्टर राजकुमार आ गए तो वह उस कमरे में गए जहां दोनों लाशें पड़ी थीं। उन्होंने भी कमरे का निरीक्षण किया। उन्हें भी साफ लग रहा था कि यह लूट का मामला नहीं है। पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक की मां बागेश्वरी देवी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दोनों हत्याओं का मुकदमा दर्ज कर लिया। तकरीबन 7 साल पहले की बात है। यह मामला एक तो विभागीय था, दूसरे बात मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसी दिन शाम को आईजीपीसी मीना एसएसपी लव कुमार ने एसपी सिटी हेमंत कुटियार, एसपी क्राइम ब्रांच मानिक चंद और सीओ कैंट कमल किशोर को बुलाकर विचार विमर्श करने के साथ इस केस का जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। एसएसपी लव कुमार के निर्देश पर थाना प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला ने सबसे पहले मृतक ओम प्रकाश और उनकी पत्नी अर्चना के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। ओम प्रकाश की कॉल डिटेल्स से तो कुछ खास नहीं मिला, लेकिन अर्चना की कॉल डिटेल्स चौंकाने वाली थी। रात 12:30 से 1:30 बजे के बीच उसने एक नंबर पर कई फोन किए थे। जांच में पता चला कि वह नंबर फिरोजाबाद जिले के स्वामीनगर के रहने वाले अजय कुमार यादव का था और उसके फोन की लोकेशन दोपहर के बाद से लेकर उस समय तक गोरखपुर की थी। यही नहीं, इसके पहले भी उस नंबर पर अर्चना की दिन में कई कई बार लंबी लंबी बातें होती रही थीं। सारा माजरा पुलिस की समझ में आ गया। अर्चना शक के दायरे में आ गई, लेकिन पुलिस ने इस बात का एहसास किसी को नहीं होने दिया। अजय कुमार गोरखपुर में ही था, लेकिन पुलिस के पास उसका कोई फोटो नहीं था जिससे उसे पहचाना जा सके। अजय कुमार के फोटो के लिए पुलिस ने सोशल साइट फेसबुक खंगाली तो उसमें उसका फोटो मिल गया, लेकिन फेसबुक पर पड़े उसके फोटो देखकर एक बारगी पुलिस को झटका सा लगा, क्योंकि एक फोटो में वह समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ बैठक में था तो दूसरे फोटो में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हाथ मिला रहा था। उन्होंने यह बात एसएसपी लव कुमार को बताई तो उन्होंने कहा कि स्थितियों से साफ लगता है कि इन हत्याओं में उसी का हाथ है, इसलिए उसे तुरंत गिरफ्तार करो, देर होने पर वह हाथ से निकल सकता है। मोबाइल की लोकेशन से पुलिस को पता चल गया था कि अजय कुमार बस अड्डे पर है। पुलिस को फोटो मिल ही गया था, इसलिए 22 जनवरी की सुबह पुलिस ने बस अड्डे को घेर लिया। बस अड्डे पर भारी मात्रा में पुलिस बल देखकर अजय ने भागने की कोशिश तो की, लेकिन वह भाग नहीं सका। पुलिस उसे पकड़कर सीधे शाहपुर कोतवाली ले आई। अजय कुमार के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही एसएसपी लव कुमार और एसपी सिटी हेमंत कुटियार थाने आ गए। अजय ने खुद को समाजवादी पार्टी का नेता बताते हुए बिना वजह थाने लाए जाने पर रौब तो खूब झाड़ा, लेकिन जब उसके सामने कॉल डिटेल्स रखी गई तो उसकी सारी हैकड़ी निकल गई। रुआंसी आवाज में हाथ जोड़कर उसने पुलिस अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
अर्चना की बातों में आकर मुझसे यह अपराध हो गया। उसी ने मुझ पर पति और बच्चे को रास्ते से हटाने का दबाव डाला था। इसके बाद अजय ने ओम प्रकाश और उनके 4 साल के मासूम बेटे की हत्या की पूरी कहानी सुना दी। अजय ने स्वीकार कर लिया कि इन हत्याओं में अर्चना का भी हाथ था, इसलिए पुलिस अर्चना को गिरफ्तार करने के लिए अजय को साथ लेकर अशोकनगर कॉलोनी पहुंच गई। उस समय इंस्पेक्टर राजकुमार के घर परिवार वाले तो थे ही, अर्चना के पिता दीप चंद भी मौजूद थे। पुलिस अधिकारी पूछताछ के बहाने उसे लॉन में वहां ले आए जहां अजय कुमार खड़ा था। उसे पुलिस हिरासत में देखकर अर्चना का चेहरा सफेद पड़ गया। अजय को देखकर अर्चना समझ गई कि उसका खेल खत्म हो गया है। अब उसके सामने अपना अपराध स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इससे पहले कि उससे पुलिस कुछ पूछती, उसने खुद ही कह दिया, हाँ, मैंने ही अजय के साथ मिलकर पति और बेटे की हत्या की है, मुझे इसका कोई मलाल भी नहीं है। अर्चना के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर वहां खड़े लोग दंग रह गए। बेटी की करतूत पर दीपचंद तो गश खाकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। पुलिस ने अर्चना को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद एसएसपी लव कुमार ने पुलिस लाइंस में प्रेस वार्ता आयोजित कर अर्चना और अजय कुमार को पत्रकारों के सामने पेश किया तो दोनों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए ओम प्रकाश और उनके 4 साल के बेटे की हत्या के पीछे की पूरी कहानी सुना दी। इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के थाना जमनिया के खलीलचक ढडनी के रहने वाले भोलानाथ यादव का 5 लोगों का छोटा सा परिवार था। उन 5 लोगों में 2 तो वह पति पत्नी थे, बाकी 2 बेटे राजकुमार व ओम प्रकाश और 1 बेटी प्रमिला। भोलानाथ साधन संपन्न किसान थे, इसलिए अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाई। पढ़ लिख कर बड़ा बेटा राजकुमार यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो गया तो दूसरा बेटा ओम प्रकाश यादव नेत्र परीक्षक। पिता की मौत के बाद राजकुमार ने पूरे परिवार को अपने साथ रख लिया था। उनकी पोंक्षष्टक गोरखपुर हुई तो वहां किराए पर रहते हुए उन्होंने कोतवाली शाहपुर के अंतर्गत बशारतपुर की पौष कॉलोनी अशोकनगर में जमीन खरीद कर अपना मकान बनवा लिया। राजकुमार की शादी हो चुकी थी, ओम प्रकाश ने नेत्र परीक्षक का डिप्लोमा कर लिया तो उनकी भी शादी सिंगापुर में हो गई। शादी के बाद ओम प्रकाश पत्नी को सिंगापुर से गोरखपुर ले आए। पत्नी को गोरखपुर में अच्छा नहीं लगा तो 6 महीने बाद ही वह सिंगापुर लौट गई। उसने ओम प्रकाश को भी वहां आने को कहा, लेकिन ओम प्रकाश घर परिवार छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए मना कर दिया। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े थे, इसी जिद ने उनके बीच तलाक करा दिया। इसके बाद सन 2009 में 34 साल के ओम प्रकाश की दूसरी शादी लखनऊ के रहने वाले पीएसी के कंपनी कमांडर दीपचंद यादव की बड़ी बेटी अर्चना से हो गई। उस समय अर्चना यही कोई 19 साल की थी। उनकी 2 बेटियों में अर्चना बड़ी थी। वह पढ़ी लिखी और खूबसूरत तो थी ही, स्वच्छंद स्वभाव की भी थी। अकेली घूमना, दोस्ती करना और महंगे मोबाइल फोन रखना उसे अच्छा लगता था। यह प्रवृत्ति उसकी शादी के बाद भी बनी रही। खूबसूरत अर्चना को पाकर ओम प्रकाश खुश थे। करीब साल भर बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ तो पति पत्नी ने प्यार से उसका नाम नितिन रखा। घर में सभी उसे प्यार से शिवा कहते थे। इस तरह ओम प्रकाश का घर खुशियों से भर गया। ओम प्रकाश जिस मकान में परिवार के साथ रहते थे वह उनके बड़े भाई राजकुमार यादव का था। वह भी भाई की तरह अपनी मेहनत की कमाई से एक घर बनाना चाहते थे जिसे वह अपना कह सकें। अपने सपनों का महल खड़ा करने के लिए उन्होंने जीतोड़ मेहनत की। आखिर उनकी मेहनत सफल हुई और उन्होंने थाना गुलरिहा के मोगलहा में जमीन खरीद कर सुंदर सा अपना घर बनवा लिया। उनके बेटे नितिन उर्फ शिवा का जन्मदिन था, उसी दिन वह अपने नए मकान में जाने की तैयारी कर रहे थे।
लेकिन उनका यह सपना सपना ही रह गया, क्योंकि अर्चना और ओम प्रकाश के जो 5 साल हंसी खुशी से बीते थे, पिछले साल से उनकी खुशियों में अचानक ग्रहण लग गया था। ओम प्रकाश की बशारतपुर के एक कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल्स की दुकान थी। उनके दुकान पर चले जाने के बाद अर्चना घर में खाली रहती थी। बूढ़ी सास बागेश्वरी देवी और जेठानी नीचे के कमरे में रहती थीं, जबकि वह पहली मंजिल पर। खाली समय में वह टीवी देखकर समय बिताती थी या फिर मोबाइल पर सोशल साइट फेसबुक पर दोस्तों के साथ चैटिंग करती थी। किसी दिन फेसबुक के एडेड फ्रेंड लिस्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए था सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ बैठे अजय कुमार यादव पर उसकी नज़र पड़ी तो वह उससे काफी प्रभावित हुई। उसने अजय की प्रोफाइल खोलकर देखी तो उसमें उसका पता गांव स्वामीनगर थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद दिया था। उसका मोबाइल नंबर भी उसमें था। अर्चना ने अपने फेसबुक के मुख्य पेज पर अपनी शादी से पहले की आकर्षक फोटो लगा रखी थी। अजय की राजनीतिक पहुंच देखकर उसने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी तो अजय की ओर से रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली गई। उसके बाद उनके बीच चैटिंग शुरू हो गई। जल्दी ही दोनों गहरे दोस्त बन गए। अजय कुमार यादव फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के गाँव स्वामीनगर का रहने वाला था। दो भाइयों में वही बड़ा था। उसके घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। गांव में उसके पिता श्याम बहादुर यादव की किराने की दुकान थी। पिता के न रहने पर अजय भी दुकान पर बैठता था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। पत्नी काफी खर्चीली थी, जबकि उसके खर्च पूरे करने का अजय के पास कोई साधन नहीं था, इसलिए जल्दी ही दोनों में तलाक हो गया था। पत्नी के चले जाने के बाद अजय अकेला हो गया था। उसके बाद वह समाजवादी पार्टी से जुड़ गया और मेहनत की बदौलत जल्दी ही युवजन सभा में जिला स्तर का पद पा लिया। फिर तो उसका बड़े नेताओं के बीच उठना बैठना होने लगा। ऐसे में ही उसका फोटो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ भी खींच गया, जिसे उसने फेसबुक पर अपलोड कर दिया। इस फोटो को काफी लोगों ने लाइक किया। इसी दौरान अजय ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी से 2 बच्चे पैदा हुए, लेकिन दूसरी पत्नी से भी उसकी अनबन रहने लगी और वह भी नाराज होकर बच्चों के साथ मायके चली गई। यह 2 साल पहले की बात है। इधर पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से अजय को पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन उसके उस फोटो को देखकर अर्चना तो उससे प्रभावित हो ही चुकी थी। अजय और अर्चना की दोस्ती होने के बाद जब तब उनकी फोन पर भी बातचीत होने लगी थी। जल्दी ही उनकी दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। दोनों ही एक दूसरे को दिलोजान से चाहने लगे। इसी का नतीजा था कि अर्चना ने अजय को अपने मायके लखनऊ में मिलने के लिए बुला लिया। उसने उसे मायके में इसलिए बुलाया था ताकि मिलने में कोई बाधा उत्पन्न न हो। वहां माँ के अलावा घर में कोई और नहीं रहता था। पापा दिन में ड्यूटी पर चले जाते थे। छोटी बहन वंदना की शादी ही हो चुकी थी। वह अपनी ससुराल में रहती थी। पति से बहाना करके अर्चना बेटे को लेकर मायके आ गई। अजय उसके दिए पते पर लखनऊ पहुँच गया। अर्चना ने माँ से अजय का परिचय पुराने दोस्त के रूप में कराया। इसके बाद दोनों एकांत में मिले तो खुद को रोक नहीं पाए और वासना के प्रवाह में ऐसे बहे कि मर्यादा भंग कर बैठे। अजय अर्चना से मिलकर फिरोजाबाद लौट गया तो अगले दिन अर्चना भी लखनऊ से गोरखपुर आ गई। इसके बाद उसने ओम प्रकाश को महत्व देना बंद कर दिया। वह हर घड़ी मोबाइल से ही चिपकी रहती। उसकी यह आदत न पति को अच्छी लग रही थी और न ही सास को। डोट जब भी कोई उससे कुछ पूछता, वह कोई बहाना बना देती। धीरे धीरे ओम प्रकाश को उस पर शक होने लगा। इस बीच अजय अर्चना से मिलने उसके ससुराल भी आने लगा था। सास बागेश्वरी देवी ने इस नए चेहरे को देखा तो पूछ बैठीं कि यह कौन है।
तब उसने खुद को अर्चना का दूर का रिश्तेदार बता दिया था। वह अर्चना के सभी रिश्तेदारों को जानती थी। इतने दिनों बाद यह नया रिश्तेदार कौन आ गया, यह बात बागेश्वरी देवी के गले नहीं उतरी तो उन्होंने ओम प्रकाश से बात की। ओम प्रकाश ने जब अर्चना से अजय के बारे में पूछा तो अपनी गलती मानने के बजाय वह पति से लड़े पर आमादा हो गई। बस उसी दिन के बाद उनके रिश्ते में जो दरार पड़ी वह धीरे धीरे बढ़ती ही गई। पति पत्नी के बीच इतनी दूरियां बढ़ गईं कि लगभग रोज ही घर में महाभारत होने लगा। यही नहीं, दोनों अलग अलग कमरों में सोने लगे। ओम प्रकाश नितिन को लेकर सोता था जबकि अर्चना दूसरे कमरे में अकेली सोती थी। एक तरह से अब अर्चना के लिए पति उसके प्रेम में रोड़ा बन रहा था। रोज-रोज के झगड़े से वह ऊब चुकी थी। इसी का नतीजा था कि उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए अजय से बात की। अजय उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए वह उसका साथ देने के लिए राजी हो गया। पड़ोस में रवि राय के यहाँ सालगिरह का कार्यक्रम था जिसमें ओम प्रकाश भी सपरिवार जाना था। यही दिन अर्चना को पति को रास्ते से हटाने के लिए उचित लगा। उसने अजय को फोन करके 20 जनवरी को गोरखपुर बुला लिया। 3 बजे दोपहर अजय गोरखपुर पहुंच गया। उस समय मकान में काम चल रहा था इसलिए बागेश्वरी देवी ऊपर थीं। अर्चना ने पीछे की सीढ़ियों से अजय को अपने कमरे में लाकर छिपा दिया। देर शाम ओम प्रकाश लौटे तो पत्नी से पार्टी में चलने को कहा। उस समय सिर दर्द का बहाना बनाकर अर्चना ने पार्टी में जाने से मना कर दिया। ओम प्रकाश ने भी जाने की जिद नहीं की, बेटे को तैयार किया और खुद भी तैयार होकर चले गए। पति के जाने के बाद अर्चना ने अजय को बाहर निकाला और उसे खिलाया पिलाया। ओम प्रकाश के लौटने का समय हुआ तो उसे फिर छिपा दिया। रात करीब 11 बजे ओम प्रकाश बेटे के साथ पार्टी से लौटे और बेटे के साथ अपने कमरे में सो गए। सोते समय उन्होंने दरवाजे की सिटकनी अंदर से बंद नहीं की। मजदूरों के जाने के बाद उनके औजारों से हथौड़ा निकालकर अर्चना ने अपने कमरे में पहले ही रख लिया था। बच्चों की कूदने वाली रस्सी भी उसने रख ली थी। अपनी इस योजना को वह किसी भी तरह से विफल नहीं होने देना चाहती थी। सबके सो जाने के बाद अर्चना रात 1 बजे के करीब दबे पांव अपने कमरे से निकली और पति के कमरे में गई। देखा कि बाप बेटे गहरी नींद में सो रहे हैं तो वापस आई और अजय को हथौड़ा और रस्सी थमाकर एक बार फिर पति के कमरे में आ गई। अर्चना ने उसे पति पर वार करने के लिए इशारा किया तो अजय ने हथौड़े से ओम प्रकाश के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। भरपूर वार से ओम प्रकाश भले ही चीख नहीं पाया लेकिन शरीर ने तो हरकत की ही, जिससे नितिन जाग गया। पापा को मारते देख वह चिल्लाने लगा। अर्चना डर गई। दूसरी ओर संगमरमर के फर्श पर खून देखकर अजय भी कांप उठा। अर्चना ने अजय से बच्चे को खत्म करने को कहा तो अजय की हिम्मत जवाब दे गई। उसने मना किया तो भेद खुलने के डर से अर्चना कांप उठी। तब उसने खुद ही बेटे का गला पकड़ लिया। उस समय माँ की वह ममता भी नहीं जागी जिसके बारे में कहा जाता है कि माँ की ममता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। माँ मर सकती है लेकिन अपने बच्चों को खरोंच तक नहीं आने दे सकती। लेकिन वासना में अंधी अर्चना ने बेटे को गला दबाकर मार दिया। पुलिस और घर वालों को गुमराह करने के लिए अर्चना ने घर का सामान बिखेर दिया, साथ ही सिटकनी खोलकर फर्श पर रख दी ताकि सभी को यही लगे कि लूट की नियत से सिटकनी तोड़कर अंदर आए लुटेरों ने ओम प्रकाश और नितिन की हत्या कर दी है। इसके बाद दोनों ने बाथरूम में जाकर खून से सने हाथ पैर धोए और कमरे में जाकर सो गए। सुबह 4 बजे दोनों उठे तो अर्चना ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने पीछे की सीढ़ी से अजय को बाहर निकाल दिया। अजय वहां से निकलकर गोरखपुर महारागंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया और टेम्पो से बस अड्डे पर जाकर छिप गया। वह वहां इसलिए रुका था
क्योंकि अगले दिन अर्चना भी उसके साथ जाने वाली थी। वह अर्चना को ले जा पाता, उसके पहले ही पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन के आधार पर उसे पकड़ लिया। अर्चना ने प्रेमी अजय के साथ मिलकर जो किया, उसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी। अब उनकी बाकी की इंकशजदगी जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी।